Salaam, welcome back to Time Out with Ehsan Khan, your favorite show. और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हर शो के बारे में जबरदस्त फीडबैक देते हैं और कोई ना कोई बात उसकी डिस्कशन में रहती है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे शो शराबा रहता है, तो मुझे बहुत मजा आता है कि मेरे शो से लोग एंटरटेन हो रहे हैं, एंजॉय करें, मजा करें। जनाब आज का एपिसोड भी बहुत स्पेशल होने वाला है, लेकिन ये बताता चलूं कि आज के एपिसोड में हैं तो दोनों आर्टिस्ट जबरदस्त किस्म के, बहुत टैलेंटेड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों से हम ज्यादा बात करेंगे फिटनेस पे कि आप एज एन एक्टर और एज ए नॉर्मल पर्सन जिंदगी में इतने काम करते हैं, इतने बिजी होते हैं, आपको इतना आना जाना होता है, कुछ ना कुछ खाना पीना ही, वो हाउ डू यू स्टे फिट। सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है कि जब लोग इतने साल, आप अगर 10 साल पहले उनसे मिले हो या 5 साल पहले मिले हो और वो वैसे के वैसे फिट हो, एंड दे एजिंग बैकवर्ड्स, both of them, they look wonderful, they are very very talented, दोनों से मुलाकात करेंगे और आप जो है वो ट्यून इन रखिएगा क्योंकि मैं आज आपको टिप्स दूंगा कि वो लोग इतने फिट, इतने स्मार्ट कैसे हैं। लेकिन मिलवाऊंगा उनसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। तो जनाब वेलकम बैक वंस अगेन टू टाइम आउट विद एहसन खान। तो सबसे पहले हम आपकी फेवरेट, हमारी फेवरेट, आजकल इनका एक ड्रामे का क्लिप भी बड़ा वायरल, वैसे आजकल तो नहीं, कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है और बड़े मजे मजे के वीडियोस भी सोशल मीडिया पे हम इनके देखते रहते हैं और काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मिलते हैं निमरा खान से। बड़े दिनों से प्लान बन रहा था कि मेरे शो पे निमरा आ रही है, आ रही है। नहीं, महीनों से तो फिर क्या रुकावट क्या थी, क्यों नहीं? शुभ मुहूर्त नहीं कोई निकल पा रहा था हमारे लिए, शुभ मुहूर्त कुंडलियां नहीं मिल पा रही थी। ऑल सेट तो हम दूसरे गेस्ट को बुलाएं, प्लीज बुलाए ना। निमरा क्यों नहीं बुलाती दूसरे गेस्ट को? अब निमरा को आज कहते हैं, निमरा बुलाए, बड़े स्पेशल हमारे दोस्त हैं। अच्छा मैं ये बताता चलूँ उनके बारे में कि ये तकरीबन, अब मैं आई नो दिस गाय सिंस लास्ट 15 और मोर इयर्स, एंड ही इज अ मॉडल, ओरिजिनली ही इज अ मॉडल, ही स्टार्टेड एज मॉडलिंग, लेकिन उसमें ना मैं उसको आज जब देखे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। मैं उसको बोलता हूँ कि यार तू मतलब कौन सी ऐसी रजीम है तेरी, आई थिंक बहुत ज़्यादा जिमनास्टिक करता है, बहुत ज़बरदस्त 2-3 घंटे मुझे लगता है जिम में स्पोर्ट्स पे अपने स्पेंड करता है। मज़े की बात यह कि मैं अभी बैक स्टेज उनसे मिली, मुझे वैसे तो हमारी ऑन एंड ऑफ ऐसे मुलाकात रहती थी लाइक PSL पे या किसी शोज पे, आज एज अ पर्सन लाइक मैंने इनसे फर्स्ट टाइम मिली, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली, लाइक इतनी पॉजिटिविटी, और मैं डेफिनेटली उन्हें बुलाना चाहूँगी। प्लीज वेलकम नईमुल हक। चेक किया, मैं भी यही करना चाहती थी। वो निमरा हम यूं कर रहे मिल लिया, क्यों इससे ज्यादा डर लग रहा है कोविड से, निमरा से नहीं लग रहा मुझे, ये लोग बोलेंगे कमेंट्स में, ये लोग बोलेंगे, सब नोटिस करते हैं कि अच्छा निमरा जब आई थी तब तो बड़ा प्यार से मिले थे, नईम को आप दूर दूर से मिले। हाँ जी ब्रो कैसा है, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताएं कैसी तबीयत है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। नहीं इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। मुझे एक बात बता भाई, लोग वैसे मुझसे ये सवाल बहुत करते हैं कि ऐसे यू डोंट चेंज मच और ये बड़ा अपने आप को आप ठीक रखते हैं वो तो, लेकिन भाई तेरा क्या सीन है, कितने सालों बाद, कब से जानता हूँ मैं तुझे? I think now it's been 20 years. 20 years se janta hu. And this guy, Nimra, this guy hasn't changed a bit. Okay, humne ek fashion show kiya tha. Hum dono ne usme ramp walk kiye the aur that was in 2001. Okay, kisi phone company type ka tha. Ha, mujhe yaad aa gaya. That was one of my first show, you know that? But you were already a model. Ha. Acha bhai ek baat main puchna chahta hu. Nimra se bhi baat karenge, lekin mujhe ye bata कि you were so passionate in the beginning, I saw you working here and there और commercials भी, तो अचानक से बिल्कुल ऐसा क्यों हुआ कि लोग, बहुत लोगों ने बोला कि नईम काम नहीं कर रहा या काम नहीं करना चाह रहा या काम कम कर रहा है, what's happening, you're doing something, I mean you're an architect right? Yeah. तो वो भी प्रैक्टिस कर रहे हो अपना काम? जी, I'm running my business for last 15-16 years. ठीक है। I'm into construction, interior designing and architecture. Okay. It's been long.
टाइम. अभी करंटली गॉड गिव मी अ सन, आई हैव अ सन. माशाल्लाह, ही इज यू बिजी विद योर सन? या. अच्छा, माशाल्लाह. क्या नाम है, कितना तो इतने सारा दिन उसके साथ स्पेंड करते हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हिज नेम इज इजान. And he is a special child. Hey, honestly speaking, his name is like. No, I was trying to convey something else. Okay, he's but a special child. Acha, mashallah. Sometimes aisa hota hai ki. Bless him, yaar. Bless him, Allah. It's a very personal question. Usne pucha kuch aur ekdam. Nahi, fir kya kya hai? Izan jo hai, wo basically usko jo disease hai, wo metabolic condition hai uski. और वो कहलाता है NGLY1. पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 50 बच्चे हैं. अभी उसके जेनेटिक्स पे अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को में एक यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर उसकी रिसर्च चल रही है. और जैसे ही उसकी मेडिसिन आएगी, फिर हम इजान को लेकर वहाँ ट्रैवल करेंगे ताकि वो उसको इंसर्ट कर सके, इंजेक्ट कर सके. बट वो क्या, उसमें क्या होता, सिम्टम्स और चीज़ें क्या? ऐसा मैं समझता हूँ कि अब तक जितना भी ज़िंदगी का वक्त गुजारा, वो अपने लिए गुजारा कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सारे काम कर लिए और किए भी, ठीक है. और फिर मैं इजान जब अल्लाह ताला ने मुझे दिया, तो मैं अल्लाह ताला से कहता था कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है जो मेरे पास स्पेशल चाइल्ड ही आया. फिर हम कहते हैं ना वाई मी, तो फिर उसका जवाब भी एक दफ़ा मुझे ऐसे फील हुआ कि मैंने तुम्हें मतलब दुनिया की बहुत सारी आसाइशें भी तो दी हैं ना, तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि वाई मी, तो आज तुम्हारे पर मुश्किल आई है. और इजान के बाद जो है, तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो खुशी होती है और जो छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आँखों में पानी आ रहा है, ठीक है, आप बात करते हुए हाथ हिला सकते हैं, मोटर स्किल्स कहते हैं इनको, उस बच्चे में वो नहीं है. ही कुडंट वॉक, ही कुडंट टॉक. तो जेनेटिकली ही इज 7 years old. 7 years? Yeah. MashaAllah. So you've been very busy looking after your child. बिल्कुल. क्योंकि ऑल द अगर आप फॉर यू एंड हिम काम नहीं कर रहे तो इसका कोई सवाल नहीं है. सही बात. लेकिन मेरे बेटे का सवाल है कि आपने उसको कितना टाइम दिया है. वो इम्प्रूव कर रहा है. अच्छा, माशाल्लाह. क्योंकि हम उसको इतना टाइम देते हैं और मैं उसको हर जगह लेकर जाता हूँ. ये बात मैं शायद इसलिए भी शेयर करूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं समझूंगा कि जिनके स्पेशल बच्चे हैं बेसिकली वो सुपरस्टार्स हैं. वो माँ बाप अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगियाँ दे देते हैं. अगर आप आगा खान हॉस्पिटल में जाएं और आप देखें कि कैसी कैसी कंडीशंस में हैं बच्चे, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ये बात ज़रूर कहनी चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं और अल्लाह ताला ने आपको चुना है इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए. आप जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं. इट्स ब्रिलियंट दैट यू आर सच अ ग्रेट फादर के अगर आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है और इतनी ज़्यादा ज़रूरत है स्पेशली, तो ये तो बड़ी कमेंडेबल बात है. और फिर ये जो बाकी ग्लैमर और ये चीज़ें थी, ये बहुत पीछे रह जाती हैं. आपको लगता है कि आपका जो असल पर्पज़ है वो कुछ और है ज़िंदगी में. चले, ऑल द लक टू यू एंड योर फैमिली, योर चाइल्ड. आई वुड लाइक टू सी हिम वन डे, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे. नम्र, कमिंग टू यू, मुझे ये बताओ यार, जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हो और बड़ी फॉलोइंग है भाई, क्या बात है यार, क्या बात है? और क्या है इसके पीछे, कोई खास राज है, कोई खास वर्क किया इसके लिए कुछ? नहीं, मुझे जिस चीज़ में मज़ा आता है मैं सिर्फ वो करती हूँ. मुझे नहीं पता कि लोगों को मुझसे क्या अच्छा लगता है, उनको मुझसे देखना क्या अच्छा लगता है. उनको तो सिर्फ मैं जुम्मे में अगर दुपट्टा लगा के तस्वीर लगा दूँ तो उससे उस पर ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, और मैं अगर यूँ पोज करके बैठूँ तो उस पर कम लाइक्स मिलते हैं. तो हाँ, रियली? अच्छा, ये है. तो इसलिए मुझे नहीं पता लोग मुझसे किस चीज़ से खुश होते हैं, लेकिन ये कि जिससे मुझे खुशी मिलती है मैं सिर्फ वो करती हूँ. फिर अब जैसे मैंने आजकल एक ट्रेंड बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे कि मैं जो भी पिक्चर फोटो शूट करवाती हूँ उसकी मैं वीडियोग्राफी थोड़ी बनवाती हूँ. अच्छा. अगर आपने देखा हो, आप तो कहाँ देखेंगे, बिजी लोग हैं. लेकिन ये कि पॉइंट टू बी नोटेड. क्या मतलब है इस बात का यार? अगर आपने कहा एसएन हर जगह है. हाँ, अगर ये देखते भी होंगे हर जगह. आज कौन सा सेलिब्रिटी एसएन? एसएन आई वुड लाइक बस कर दे. एसएन रमजान में भी आपको नजर आएंगे. माशाल्लाह बोले. माशाल्लाह. एसएन आपको क्रिकेट के उसमें पीएसएल पे भी नजर आएंगे. माशाल्लाह बोले. माशाल्लाह. एसएन आपको एक चैनल के ड्रामे से दूसरे चैनल के ड्रामे पे जैसे माशाल्लाह बोले.
एक विलन से आपको हर जगह नजर आएगा, आप टाइम आउट में भी नजर आएंगे, माशाल्लाह बोले, डायरेक्शन में भी नजर आएंगे आपको। हाँ, मैं निम्रा को डायरेक्ट कर चुका हूँ, माशाल्लाह इतनी अच्छी आई है उस वीडियो में यार। और आपने इनको क्या इनडायरेक्ट किया? इन्होंने मुझे इनडायरेक्ट किया, डायरेक्ट किया। आपको कैसे पता चला? ओके, ऐसे में ना तभी देखते होंगे सेलिब्रिटीज की कोई प्रोफाइल, आज कौन है लिस्ट में, अच्छा वो है, एक सेकंड में उसकी चीज अपडेट कर लूं, ओ आजकल ये चल रहा है, ओके ओके। नहीं नहीं, मैंने देखा निम्रा तुम्हारा भी कोई फॉलो किया था, तुम नहीं, नहीं ये किया है। नहीं निम्रा, यू नो कि मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानता भी हूँ, और हमारा वो बना नहीं कुछ ड्रामे में, कोई बड़ा मेजरली काम नहीं बना, लेकिन चाहती हूँ मैं आपके साथ काम करना, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट यार, वेरी सून। पहुंच यहाँ तक तो गई हूँ, आगे भी पहुंच ही जाऊंगी आपके पास। आगे ही जा रही हो यार, बहुत अच्छा काम कर रही हो। लेकिन अच्छा, तो फॉलोइंग सोशल मीडिया पे आते हैं। हाँ, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं इसलिए सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि कुछ एक्टर्स कुछ आर्टिस्ट होते हैं कि कभी एट टाइम्स उनका जो काम है वो कम नजर आ रहा होता है, बट ऑन सोशल मीडिया दे वेरी वेरी एक्टिव। सो डू यू टेक ब्रेक्स एंड यू डू कॉन्स्टेंटली यूर ऑन सोशल मीडिया? इतने मजे की टिकटॉक बनाती है ये लड़की, इतने, बल्कि जब आज आ रही थी मैंने सोचा यार मैं इसे सीखूंगा और मुझे भी टिकटॉक बनाना है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम खोले तो आपको सिर्फ मेरी एक हैपनिंग वीडियोस दिखेंगी, कुछ नहीं, आई एम जस्ट सिंगिंग इन दैट वीडियो, मैं सिर्फ गाना गा रही हूँ। अच्छा गाती हो, ठीक है, आई मीन लाइक मैं सिंग करती हूँ, लेकिन मैं गाना चला के उसके पीछे लाइक यू नो प्ले करती हूँ। ओह सिंक, यू मीन हां लिप सिंक, लिप सिंक। तो इस वजह से वो एक हैपनिंग वीडियो भी बन जाती है, जो कोलैबोरेशन कपड़े होते हैं उनकी भी प्रमोशन हो जाती है, ठीक है, तो वो मैं एक कलरफुल सा कुछ कर। आज हम गाने चलाएंगे यहाँ पे जो निम्रा को हम देखेंगे, इतना अच्छा लिप सिंक करती है, ये क्या आर्ट है यार, हमसे तो नहीं इतना अच्छा होता। हाँ, गाना लगाएगा, मैं इसमें लिप सिंक करूंगी। अच्छा, इतनी जिंदगी में, इतनी जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा था, बिकॉज यू ट्रैवल सो मच, यू डू सो मच, यू मीट सो मेनी पीपल, इधर उधर दाएं बाएं हर जगह आपको लोग मिल रहे होते हैं, इतना हैपनिंग लाइफ होती है, व्हिच इज एट टाइम्स वेरी गुड एंड व्हिच इज एट टाइम्स वेरी हेक्टिक। आपको बताओ एसन, औरत हूं ना, लड़की हूं, इसलिए कोई भी गैर मर्द या कोई भी गैर फैमिली मुझे या किसी भी औरत को इस तरह नहीं लेगी कि वो मेरी बेटी भी हो सकती है, या वो मेरी बहन भी हो सकती है, या वो मेरी बीवी भी हो सकती है, उस जगह पे जिस जगह से हम आर्टिस्ट गुजर जाते हैं, हमें वो एक तरीके से सिर्फ एक आर्टिस्ट की ही नज़र से देखते हैं, हमें ह्यूमन नहीं समझते। अब जैसे मेरे साथ जो हादसे हुए, मोस्टली लोगों को तो सब पता है जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ही वो, लेकिन ये कि अभी जो कुछ टाइम पहले चीज़ें चली सोशल मीडिया पर, ये वो मेरे फैंस ने बहुत मेरा साथ दिया, वो अनएक्सपेक्टेड था। किस चीज की बात कर रही हो? व्हेन यू वर इन लंदन, जब खुला हुई, मैं पहले नहीं इस बारे में बात करती थी कहीं भी, क्योंकि मुझे था कि जितनी ये ढकी ढुकी चीजें रहें उतना ही अच्छा है, औरत हूँ ये वो चार लोग बात करेंगे, लेकिन अब कुछ छुपा नहीं है, अब सब कुछ सबके सामने, और हम लोग का तो सब कुछ होता ही सबके सामने। लेकिन अगर बस मैं लोगों को ये समझाना चाहूँगी कि हर चीज़ के दो रुख होते हैं, हर चीज़ के दो रुख होते हैं। अब मैं अगर आपसे, अगर मैं छोटी सी मिसाल दूँ, अगर मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ और मैं किसी, समझे मैं जेल रोड से गुजर रही हूँ और वहाँ पर सिग्नल्स वीक होगा, मेरा फ़ोन कट गया और आप मुझसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और कॉल कट गई, तो आप कहेंगे यार देखो उसने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट बात कॉल कट दी, उसको समझ नहीं थी मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, और मैं क्या करती, मतलब मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, वो नेटवर्क फेल हुआ था। यू मीन जो अजम्पशन? यस, तो हर चीज के दो रुख होते हैं। अब जैसे एक वो रुख जो मैंने उस आदमी के साथ हैप्पीली पिक्चर लगाई, एक वो रुख जो मैंने उस छह महीने का टाइम पीरियड गुजारा, तो वो तो चीजें मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकती थी ना कि देखो मेरे साथ आज के दिन क्या हुआ, मेरे साथ डेढ़ महीने के बाद क्या हुआ, या मेरे साथ उस छह महीने में क्या क्या हुआ। मैं बस लाइक मैं स्टोरी को कट करके, मतलब मैं एक छोटी सी बात सिर्फ एक लड़कियों को कहूँगी एज अ मैसेज, कि एक बुराई, एक तशद्दुद भी आप तब तक बर्दाश्त करें जब जितनी आपके अंदर टेंडेंसी है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये बियॉन्ड जा रहा है, अब आपसे रिजिस्ट नहीं हो रहा, प्लीज़ मैं उन पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बैक अपनी औलादों को दें, ताकि वो उस चीज़ से ना डरते हुए वो स्टेप उठा सके जिस चीज़ से मैं गुजरी। मैं नहीं चाहती कि और भी लड़कियाँ इस चीज़ से गुजरे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, मैं अपने अम्मी अब्बू की वजह से इतनी स्ट्रांग थी क्योंकि वो मेरे साथ खड़े थे हर कदम पे। तो अगर किसी औरत के साथ ऐसा होता है, जस्ट टेक अ डिसीजन राइट अवे,
रादर देन उसको प्रोलॉन्ग करें, उसको ड्रैग करें और फिर वो एक ऐसा नतीजा आए जो कि हर इंस्टाग्राम की नूर जैसी कहानियाँ या ऐसी चीज़ें हम लोग को सामने देखने को मिलती हैं कि उसका मर्डर हो गया, उसका ये हो गया, उसको गोली से मार दिया. लिटरली ऐसा में बस इस पूरी बात में मैं बहुत ढकी ढुकी बात की है, मैंने ज़्यादा खुल के बात नहीं की, लेकिन मैंने बहुत क्रूशल टाइम देखा, मैंने बहुत टफ टाइम देखा जिससे मैं निकलूँ. लेकिन मुझे पता है कि ये सब लोग मुझे सिर्फ हंसता ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, रोती शक्ल ज़्यादा देर नहीं चलती है और ना लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो मैं सिर्फ इसलिए हंसती रहती हूँ ऑल द टाइम क्योंकि मुझे पता है कि लोग जितनी लोगों को कमज़ोरियाँ दो लोग उतना उसका फ़ायदा उठाते. तो मैं और मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप किसी भी एज में हो, किसी भी टाइम पे हो, जब दो लोग एक साथ होते हैं तो वो रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन प्यार, मोहब्बत, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लव, और उसी पे रहना चाहिए. तो लगता है अब तो शादी की भी सीवी बननी चाहिए कि आपने पहले इतने रिलेशनशिप्स गुजारे हैं, आपके इतने ब्रेकअप्स हुए हैं, आपने कोई बताएगा अपने पुराने रिलेशनशिप? नहीं नहीं, सीवी बननी चाहिए. वो तो उसमें छानबीन में लग जाते ज्यादा कि भाई पिछला क्या हुआ था, अभी जो तुम मिल रही हो वो कैसी बनी बनाई मिल रही है. अरे यार मत पूछो प्लीज इस चीज के बारे में, वो जो गुजर गया वो गुजर गया बिल्कुल. वैसे तो आप किसी लोग जब मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो वो गूगल कर लेते हैं और गूगल के पास इतना डाटा है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नहीं से भी पूछे कितने लोग गूगल कर चुके हैं. मेरी जो स्टोरी मैंने आज सुनाई जो कि बहुत पेनफुल थी वो गूगल पे कहीं नहीं है. नहीं नहीं, एंड वी जस्ट निमरा आई होप कि बहुत ज्यादा जिंदगी में सक्सेस भी हो और बहुत you've gone through so much and we really like have a lot of respect for your you know choices and your personal life also. bahut zyada izzat hai tumhare liye hamare. Aisa Allah mein kehte hai ki main tumhe ek hi azmaish se tab azmaunga jab tak tum us azmaish se seekh na lo. To log kehte hai na ki ye ek hi cheez mere sath baar baar kyon ho rahi hai, ye breakups hi baar baar kyon ho rahe hain aur ye cheeze baar baar, kyunki hum us ek hi dafa ki galti se seekh nahi paaye. तो इसलिए अल्लाह कहता है मैं तुम्हें बार बार उसी आजमाई से गुजरवाऊंगा. अगर तुम सीख गए तो वो टेस्ट तो तुम्हारा ख़त्म, तुम अगली की तरफ आओगे. लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है मींस कि तुमने अभी तक सीखा ही नहीं उससे. ठीक है, वेरी नाइस. यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना. बड़ी बड़ी गहरी और बड़ी खास बातें. मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये दोनों इतने ज़बरदस्त लोग हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और इतना इन्होंने आज हमें लेसन दिया है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये लेसन. जब एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और हमारे साथ हमारे दो प्यारे दोस्त मौजूद हैं. निम्रा से पहला सवाल, well, where this is kind of rapid fiber, it's very interesting. पहला सवाल ये निम्रा से कि कोई लेटेस्ट फनीएस्ट वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल देखी हो, वो कौन सी है? हरीम शाह वाली हो जो. कौन सी? उसमें क्या है? उसमें वो कह रही है कि मैंने एक जगह का फिलर करवा लिया था लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि एफबीआई वालों ने मेरा वो अकाउंट सील कर दिया है. अच्छा. तो मैंने कहा कि मैं दूसरी साइड का कैसे पे करूंगी. तो मैंने फौरन छोड़ के उठ के भागे वहां से. तो अभी उसका मुंह यू है. तो यही अभी कल रात को ही मैंने ये वीडियो देखी. मैं कई घंटे लगाता हूँ अपनी तैयारी में. है ऐसा सच है? नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी तैयारी में नहीं लगाता, बल्कि सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट चाहिए होते हैं और अल्लाह ताला ने जो कर दिया है वही है, उसी पे है. अभी भी कोई मेकअप नहीं हुआ वो काफी है. ब्यूटी नीड्स नो पेंट. ठीक है, इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे जलते हैं. कुछ यही तो अभी तक समझ नहीं आया कि पता ही नहीं चला जलते कौन है मुझसे. मेरे मुंह पे वो सब इतने अच्छे होते हैं कि मुझे आज तक पता नहीं. जो मुझे सुनने को मिलता है और जो मैं देखती हूँ मुझे वो टोटली ऑपोजिट लगता है. तो मैं यार कितना कंफ्यूजिंग है, जबरदस्त एक्टिंग, जबरदस्त है कि मुंह पे बड़ा प्यार मोहब्बत और पता लगा जी. आई स्वेयर टू गॉड. और इसलिए मैंने मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं कहूंगी अपने आप को, लेकिन मैं कभी भी किसी जगह नहीं जाती. मैं अपने आप को इसलिए घर पे आइसोलेटेड रखती हूँ. मैं समझता हूँ जो मिडिल पर्सन होता है ना, जो आके बता रहा है कि उसने ये कुछ बोला तुम्हारे में, असल में वो गलत होता है. वही कल्प्रिट वही है, कल्प्रिट ही वही होता है, वो किसी ने कुछ नहीं किया होता. ठीक है जी, मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता है जब जब कोई झूठ बोलता है. अच्छा, तो पता कैसे चलता है झूठ बोल रहा है? वो जब बाद में पता चल जाता है तो बहुत गुस्सा आता है. बाद में पता लगता है. ठीक है, मैं सेट पे इस बात पे खफा हुई हूं कई दफा. वो क्या बात है?
जब आर्टिस्ट मेरे साथ बैठ के उस सीन को गो थ्रू नहीं करते, उस पर प्रैक्टिस नहीं करते मेरे साथ पहले बैठ के, लाइक मुझे बड़ा बुरा लगता है कि ऐसे कैसे वो केमिस्ट्री आपकी सेट पे जाके हो जाएगी जो आप लाइक यू नो मेकअप रूम में भी बैठकर बात करना भी हाँ हाँ हो जाएगा. वो बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने अभी देखे, उनके साथ मैंने कहा आओ पढ़ लेते हैं, हो गया बेस्ट है बेस्ट, वहीं जाके देंगे, ज़ाया क्यों करें एनर्जी. और वहाँ जाके टोटली ऑपोजिट. कौन? और अभी इवन फिरोज के साथ भी जो मेरा सीन अभी जो वायरल हुआ है वो मुश्ताक खाक का, भले लोगों ने जो भी कंट्रोवर्सी उसको बनाई, जो भी उसको वायलेंस में लिया, जो भी फिरोज के अगेंस्ट बोला, जो भी, लेकिन अगर एक्टिंग वाइज देखा जाए तो वो एक्टिंग इसलिए अच्छी थी क्योंकि फिरोज ने मुझे 1.5 घंटा दिया उस सीन के लिए. मैंने और फिरोज ने 1.5 घंटा प्रैक्टिस की कि निम्रा अगर तुम्हें कहीं लग जाए तो, मैंने कहा मैं बुरा नहीं मानूंगी, बस ये कि कोशिश करना कि कहीं हिट ना हो मेरी टांग जो कि उसमें रॉड है, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखना. और डायलॉग्स का तो एहसन तालिश ने हमें कहा कि डायलॉग्स का मैं तुम लोग को मार्जिन देता हूँ, बस सीन वही आगे तक जाए जब मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ. अच्छा, ऐसे सीन में समटाइम ऐसा होता है कि जो लड़के मतलब जिम वगैरह करते हैं ना उनमें एग्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, तो जब वो लड़कियों के साथ सीन कर रहे होते हैं, जैसे मैंने भी कुछ फिल्म में किया या ड्रामा में, लेवल बराबर रखा है तो वो हम जो फोर्स लगा देते हैं ना वो बहुत ज्यादा लगा देते हैं. मैंने रात को पेन किलर्स लगवाई है जाके. यार हमने वैसे सॉरी, मैंने एक बात सीखी है कि ये अदाकारी है और आप एक्टिंग का नाम ये कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, कि आप कुछ कर रहे हैं. यू कैन नॉट, आई मीन यू कैन मेक पीपल बिलीव इट बट यू कांट डू इट इन रियल. यार इट्स वेरी स्ट्रेंज टू डू इन रियल. चीट कम हो रहा था, फोर्स ज्यादा लग रही है. हां, चीट करना होता है उसको. अच्छा जी, हां, तीन इस फील्ड के ऐसे हीरोज या आर्टिस्ट जिनसे मैं एक एक चीज उनकी पिक करना चाहता हूँ कि यार ये वाली चीज मैं उसकी पिक कर लूं, ये वाली उसकी पिक कर लूं, ये उसकी पिक कर लूं. रिपीट करें क्वेश्चन. तीन आर्टिस्टों की सोच रहा है ना, ये मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट देख के ना कि कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. तीन ऐसे कोई भी किसी से आपने कोई किसी से डांस की स्किल ले रहा, किसी से फाइट की स्किल ले लेना, किसी से कोई और, जैसे मैंने बुशरा अंसारी से उनका टॉलरेंस लेवल लिया है मैसेज में, क्योंकि उनको रमजानों में उनको 2 बजे बुलवाया था और 6 बजे पहला सीन किया था, बट शी डिडंट से अ वर्ड होल डे, रोजे में थी वो. तो मैंने उस आर्टिस्ट से वो चीज पिक की. तो आपने फैसल कुरैशी की जो करैक्टराइजेशन होती है ना, मतलब वो जिस तरह से रोल को चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है वो उनका यूएसपी, यूनिक, अच्छा, यूनिक सेलिंग पॉइंट है. एक हो गया, दो और चीजें उसके अलावा. शान, शान से क्या लेना चाहिए? शान की जो डायलॉग डिलीवरी में डेप्थ है ना, ठीक है, मतलब लो टोन में रहते हुए जो स्ट्रेसेस देते हैं, आई थिंक. और थर्ड, और तीसरा जो अभी मैंने एक चीज सीखी है, आतिफ असलम का एक ड्रामा आ रहा है नया, अभी ऑन एयर है. आतिफ इज डूइंग सो गुड यार. देखें वो सिंगर है, वो एक्टर नहीं है. उसने जुमलों को उस मतलब डायलॉग्स की तरह नहीं बोला, उसने थोड़ी सी अदायगी चेंज की है, जैसे शायराना अंदाज में आप गाने को पढ़ते हैं या एक्सप्लेन करते हैं. वो जो There is a very thin line, but there is a line कि यहाँ dialogue है और यहाँ गाना है, उसके दरमियान की चीज़ है. But वो मुझे इतना अच्छा, मैंने दो episodes देखी हैं. He is standing out. Very good. Nobody is so visible जितना आतिफ उस drama में visible है. He looks brilliant. और I think आतिफ का ये पहला drama है. Of course, पहला है. पहला. अच्छा जी, निर्मला, मुझे ये बताओ, जब मुझसे कोई ये सवाल करता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है. What's your age? नहीं नहीं, मैं तो उसको फखर से बताती हूँ. खुद ही बता दी पहले. मैं तो शो पे आती सबसे पहले बता दिया. लेकिन मुझसे ये सवाल जब कोई करता है, एक तो मैं अब थक गई हूँ वेट लॉस वाली चीज का. ऑल दम बताते हुए थकी हूँ, मुझे गुस्सा नहीं लोग बेचारे पूछे जाते हैं. हाँ, लेकिन ये कि ऐसा कोई सवाल नहीं जैसे मुझे इरिटेट हो, लेकिन एक्सीडेंट. ये रैपिड फायर है. हाँ ना, हाँ. अच्छा, कोई सवाल, इसी सवाल से इरिटेट नहीं होती, ठीक है. मैं इस एक्टर एक्ट्रेस के साथ फौरन काम करना चाहता हूँ. फौरन काम करना चाहता हूँ मायरा खान के साथ. मायरा खान के साथ. ये खान, ये भी देखो, इसको भी देखो, इशारे भी कर रही थी वो. यार बोल दो निमरा और मायरा बोल देते तो खान आखिरी. मायरा खान दोनों के साथ काम करना चाहते हैं. ओके, मैं अब इस एक्टर के साथ काम करना चाहती हूँ. एहसन खान के साथ. मेरे साथ ये कट जाएगा. जल्दी कर रहे हैं, कट लगे. जल्दी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, ठीक है. मैं इस एक्टर को जब देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार इसको कुछ और कर लेना चाहिए. यार आई कांट से ये सब कुछ कर गए इसलिए कोई और नाम ले.
कुछ और करना चाहिए। अभी नाम नहीं ले सकता किसी भी एक्टर ना लो, वैसे बता दो कि कैसे बताएं, कुछ बता दो। नहीं बता, आपको कुछ एक्टर्स ऐसा कॉमेडियन भी लगते हैं तो आप। अच्छा, ऐसा कोई एक्टर है, ऐसा कोई एक्टर है जिनका देख के लगता है कि यार, जैसे उमर शहजाद है मॉडल, वो सिंगिंग करता है बहुत अच्छी। अच्छा, यू थिंक उसको सिंगिंग करनी चाहिए? उसको सिंगिंग करनी चाहिए, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, लाइक क्लासिकल। मेरा ख्याल है कि हर एक्टर जो है ना वो हर रोल नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो उन रोल्स पे मत जाए जो वो नहीं कर सकते, ठीक है। वेरी सिंपल, ये बड़ा कोई स्कूलिंग का बैलेंस। मैंने अच्छा जवाब दिया। हाँ, निर्मला ने बगैर सोचे समझे फौरन जवाब दे दिया। पॉलिटिकली करेक्ट होना चाह रहा है ना, इज कैजुअल फन मैन, मैं तो अच्छा जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं वो वाला ड्रामा नहीं करती जिसमें मैं वैसे हर ड्रामा करना चाहती हूँ। Really? हर तरह के, हर तरह का। मैं आर्टिस्ट ही तब कहलाऊंगी जब मैं कैरेक्टर्स प्ले करूँ। अगर मैं, ये नहीं कि अगर मैं एक जगह पे अमीर लड़की बनी हुई हूँ, मुश्ते खाक में अमेरिकन लड़की बनी हुई हूँ, तो मैंने अभी एक टेलीफिल्म की जिसमें मैं मेड बनी हुई हूँ, तो मैं वो नहीं कर सकती। ऑल्दो वो भी लीड ही था, लेकिन आर्टिस्ट तो यही है ना, आर्टिस्ट है ना जो वो कोई भी कैरेक्टर प्ले कर ले। तो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है कि मैं नहीं प्ले करना चाहती, मैं सब प्ले करना चाहती हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, नईम सोच रहा यार ये तो बड़े जवाब दे रही है। नईम, मैं ये वाला कैरेक्टर जिंदगी में जरूर करना चाहता हूँ। किसी आर्मी ऑफिसर का कमांडो एक्शन, ये मैं भी, मुझे भी जो अभी जो माशाल्लाह से जो एयरवाय पे चल रहा है सचल वजल, इन सब सिन्फ आहन, बहुत अच्छा प्ले है, मैं हिस्सा बनना चाहती थी उसका। और वो तो कहते हैं ना कि आप अपने मुल्क को जो लोग हमारे सर्व कर रहे हैं वो इतने ब्रिलियंट हैं, और अगर आप उनका जरा सा भी हिस्सा बन जाए तो आपका यू फील सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। यार हम उनके साथ ऑल फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ऑफ कोर्स, ये हर एक्टर करना चाहते हैं, क्योंकि नो डाउट ख्वाब होता है हजरत। दना नीर जो है हमारी वो जो पहाड़ी ओरी वाली लड़की, जिस दिन उसका उस शूट का लास्ट डे था, शी वाज क्राइंग ऑन द सेट। लाइक उतनी अटैचमेंट हो जाती है, इतना ज्यादा आपको बहुत कुछ डीपली जानने को मिलता है। एक दफा चांस मिला था, मैंने एक फिल्म की थी यलगार जो ISBR की थी, उसमें कहा गया था कि सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं और तुम बहुत अच्छे लगोगे क्योंकि तुम प्रोफेशनल एथलीट भी हो। तो जब करेक्टराइजेशन हुई तो उन्होंने कहा नहीं यार उस तरफ बहुत है, जो नेगेटिव है ना तालिबान, वो वीके इसको तालिबान। अगर कोई लड़की ये वाली हरकतें करे तो मुझे बहुत पसंद आती है। आई लाइक इट, कुछ भी करे लड़की, गो विद द फ्लो। अच्छा, नहीं मैंने कहा अच्छा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। अरे यार लड़की है, करने दे, करने दो यार, चलेगा, ठीक है। मैं बहुत अच्छी हूं अगर मेरे अंदर ये वाली आदत खत्म हो जाए, ट्रस्ट करने वाली। मैं बहुत अच्छी हूँ अगर मुझे ट्रस्ट करने वाली आदत खत्म हो जाए ना, लिटरली मेरे बड़े फायदे हो, मैं हर किसी पर ट्रस्ट कर लेती। ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट, यानी अभी भी नहीं सीखा ना? नहीं, नहीं सीखा। मेरा दिल बहुत नरम है अभी, मतलब लिटरली एक बच्चा अभी, मैं गाड़ी मैंने पार्क की सिग्नल पे, और वो बच्चा कह रहा ले लो ना ये गजरा, ले लो ना गजरा, ले लो ना गजरा, ले लो, मैं एक पराठा अंडा खा लूँगा प्लीज़। जब उसने पराठा अंडा बोल दिया ना, मैंने कहा मैं तो अभी चाइनीज़ खा कर आई हूँ, उसने मुझसे पराठा अंडा मांग लिया, जबकि उसने पता नहीं पूरा दिन पता नहीं कितना कुछ खाया होगा। मैं गाड़ी भगाती रही, वो पीछे से भागता रहा, ऐसा भागता रहा भागता रहा, मेरी आंखों में आंसू आया और मैंने उसको पैसे दिए। मैंने कहा आज ही पराठा अंडा, क्या तुम पाई भी खाना, तुम कीमा भी खाना। अल्लाह, अच्छे दिल की लड़की है ना, शी इज अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। ठीक है जी, अगला सवाल यह है, मेरे मोबाइल में कुछ लोगों के नंबर्स मैं ब्लॉक कर देता हूँ, वो कौन लोग होते हैं? मेरा नंबर ही नहीं है इनके पास। वो लोग होते हैं जो हमेशा आपको, आपसे जब भी मिलते हैं तो आपको डीग्रेड करते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली वे में ना, मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे। नहीं, ऐसे लोग होते, तो उन लोगों से आप थोड़ा ऐसे लोगों से मिलते क्यों भाई? हाँ, देखिए मिलना तो सबसे आपको उन लोगों से सराउंड करें जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं। ट्रू, लेकिन आपको मिलना इसलिए जरूरी होता है कि सम टाइम वो एक अच्छी बात भी बता देते हैं जो बाकी लोग नहीं बताते, क्योंकि कभी कभी वो तारीफ नहीं करते, वो एक्चुअल वहाँ हिट करते हैं जो वीकनेस होती है। तो आपको सबकी सुननी चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि क्या होना चाहिए। ठीक है जी, इंडस्ट्री में मेरी बेस्ट फ्रेंड ये है, सानिया शमशाद। ओके, अगर मुझे चांस मिले अपनी लाइफ में कुछ चेंज करूं तो वो क्या होगा?
I do not want to change anything. ठीक है, अगर मुझे चांस मिले कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ चेंज कर डालूं, तो वो क्या होगा? बहुत कुछ है निम्रा चेंज करने वाला. मैं जल्दी, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती हूँ, तो मुझे मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है. लेकिन ये मुझे अपने एग्रेसिव जल्दी सबसे अच्छा टूल है. एग्रेसिव जल्दी, रोना जल्दी, ट्रस्ट जल्दी, हर चीज की जल्दी में है. ये तो सेट पे बड़ा अच्छा होता है. रोल रोने वाले सारे जल्दी होने पर हो जाते हैं. मैं अभी परसों तरसों मैं लाइक नो मैं सीढ़ियों से गिरी मैं और मेरी सीढ़ियों से गिर गई थी, तो मेरी मुझे चोट लगी ना यहाँ, तो वो चोट से बहुत खून निकल रहा था, तो आंखें भी सूजी हुई थी मेरी. तो डायरेक्टर कहते हैं हाँ हाँ आज तो मुझे ऐसे ही सीन्स करने थे. और उस पर सीन दिखाया कि ना मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, तो मैं उनको कहती हूँ देखो ये भी मारा है, ये भी मारा है, ये भी मारा है, तो वो उसी में यूज कर लिया उन लोगों ने. अगर कोई मुझसे बदतमीज हो जाए तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ? अगर वो सही बात कर रहा तो खामोश होता, और अगर वो गलत बात कर रहा तो फिर बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा. मैं हंसती हूँ, हंसी उसको तंग करने के लिए. ठीक है, मैं घंटों इस बात पे बोल सकती हूँ, जैसे आज बोल रही हूँ मैं, घंटों इस बात पे बोल सकती हूँ. ठीक है, ये बताएगा थोड़ी, ये कैसा सवाल है? सच ही नहीं बोलेगा. मुझे फ्लर्ट करने की आदत है, ये सवाल है यार कोई? बोलो हाँ है. ट्रू, आई डोंट माइंड. अगर एक्यूजेशन भी है तो आई एक्सेप्ट इट. अगर मैं नाराज होंगी तो उसकी निशानी ये है. अगर मैं नाराज होंगी तो उसकी निशानी इग्नोरेंस है. इग्नोर करती हो? आई हेट इग्नोरेंस. मुझे इस चीज का फोबिया है. करंट का. करंट लगने का फोबिया. करंट लगने का वो है. मेरे फोन पे आखिरी 3 नंबर डायल किए हुए ये होंगे. मेरी अम्मी, मेरा मैनेजर वलीद और मेरी बेस्ट फ्रेंड सनिया. ये 3 अभी लास्ट यही है. ठीक है, सेम क्वेश्चन. नहीं पूछ ले यार. पूछ ले, चलो बता दो आखिरी 3 नंबर कौन से. आखिरी 3 नंबर. हाँ. मेरी बेगम, मेरी बेगम, मेरी बेगम. हाय हाय. अच्छा, और एक बात बताऊं मैं, बेगमात का 3 दफा क्यों कॉल किए? एक ही दफा में बात करके. हाँ, बेगमात का फोन बार बार याद आ रहा है. अगर आप कहीं सियाचिन पे भी शूट कर रहे हो ना, वहाँ नेटवर्क भी नहीं है, सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, लेकिन बेगमात का फोन आ जाता है, वहां पर पहुंच जाता है. रीचेबल, अच्छी बात है यार. वाई नॉट, वाई नॉट. ठीक है, इस डायरेक्टर के साथ काम करने की बहुत ख्वाहिश है मेरी. शोएब मंसूर. ओके, इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने की बहुत ख्वाहिश है मेरी. बिग बैंग. बिग बैंग. काम ही नहीं किया मैंने. मुझे लड़कों में ये वाली क्वालिटीज अच्छी लगती हैं, और अब मैं यही क्वालिटीज ढूंढ रही हूँ. यही ये यही वाली ये ये जो क्वालिटी है ना, बस यही अच्छी लगती है. यार ये देख क्या. अभी इससे पहले बेगम की बात कर रहा था. बेगम, अब सादी क्वालिटीज पे आ गए. क्वालिटीज मैं बताऊं आपको. आपकी क्वालिटी यही अच्छी लगती जो बेगम के साथ लगे रहते हैं. तीन कॉल्स बेगम किया भाई, उठते ही रहे. देखो मैंने अपनी पूरी जिंदगी ना एज अ गिवर गुजारी है. आई लव गिविंग गिफ्ट्स, आई लव गिविंग सरप्राइजेस, आई लव गिव माई सेल्फ टू पीपल. अब मुझे जो चाहिए कि लोग मुझे गिफ्ट्स दें, आई डोंट माइंड. No gifts. Why is he laughing? Yes, some music भी ना बजाए बिल्कुल. Why is he laughing? मैं चाहती हूँ लोग मुझे gifts दें. मेरी birthday पे आज तक मुझे किसी ने gifts नहीं दिए. मैं चाहती हूँ कि जो मेरा partner हो वो. अच्छा यही सवाल क्या आप बोल रहे हो? मेरा partner क्या करेगा? भाई आप gift का नाम लेना. Gift क्या? ऐसे ना मेरी दोस्ती इतनी पुरानी है ना कि मैं इसको समझती हूँ बहुत अच्छे से. I'm listening to her. I want to know क्या qualities. नहीं मैं आपको message कर दूँगी. अच्छा भेज दूँगी. सुने आप ये लोगों को बना रहे मुझे. भाई लोग इनको Audi गाड़ी gift करें. यार आपको कैसे पता मुझे ऑडी बहुत पसंद है. लेकिन गिफ्ट ना दे, वो मेरी अचीवमेंट होगी जब मैं खुद बाय करूंगी अपने पैसों से. गिफ्ट क्या चाहिए आपको? सिर्फ गिफ्ट नहीं, वो बहुत कुछ कह रही है. वो कह रही पहले मतलब वो बस मुझे नहीं, मैंने कहा मैं ऐसा गिवर. लाइक मुझे अपनी अम्मी अब्बू को सरप्राइजेस देना पसंद है, उन्होंने मुझे कभी गिफ्ट नहीं दिया. ये ठीक है, मुझे मतलब मैं सबको सब गिफ्ट देती हूँ, मुझे कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया. आप एक नेचर होती है, मैं समझ गया हूँ. एक नेचर होती है कि आप दूसरों के लिए करते रहते हैं, बस आपके लिए कुछ. मैंने पहले ही लफ्जों में कहा आई एम एज अ गिवर. टाइम दे, प्यार दे, मोहब्बत दे, गिफ्ट दे, अब एफर्ट्स. ये क्या बात, तालियां. अच्छा जनाब हमारा ये बड़ा डिटेल्ड रैपिड फायर टाइप एक राउंड था जो हो गया है.
वैसे मुझे ये बताओ निम्रा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने लाइक किसी पे क्रश हुआ और दिल कर रहा हो कि यार ये अप्रोच क्यों नहीं कर रहा, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, एक दफा ये नहीं हुआ कि वो अप्रोच क्यों नहीं कर रहा, हाँ। ये कि क्रश है मेरे और वो समझ नहीं रहा, मैंने मुंह पे बोल भी दिया जबकि उन्होंने लेकिन समझ नहीं आई। नहीं कौन है उनको, कौन था यार ये, कौन है इंसान? नहीं मतलब क्रश as in क्रश इन लाइक एज अ फ्यूचर, नहीं कि मैं फ्यूचर में इनको अपने साथ देख, चलो उसी वक्त टेंपरेरी, हां टेंपरेरी लाइक अफान वहीद टेंपरेरी टेंपरेरी मतलब तो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म तो कहना नहीं नहीं नहीं, देखिए क्रश तो चेंज होता रहता है, अब दोनों नहीं क्रश पे नेगेटिविटी आई, क्रश एज इन क्रश के मतलब मुझे वो अच्छा लगता था इंसान, पांच वक्त का नमाजी और लाइक मुझे अच्छा लगता था कि बहुत पॉजिटिव बातें करता था सेट पे मेरे साथ, हमेशा स्माइली फेस, हमेशा एफर्ट्स करना, तो मुझे बस मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं प्रेजेंटेबल, लाइक मुझे अफान वहीद मुझे इसलिए बड़े अच्छे लगते थे। नहीं वो बहुत अच्छे हैं, एनसीए में मुझसे जूनियर थे और मैंने उनको 4 साल मुझे इसलिए लाइक वेरी गुड एहसन भी ना नहीं बकशता किसी, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा मुझे ये बता भाई तेरी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को हो गए हैं 10 साल, अगर आयशा से आप सवाल पूछेंगे तो वो आपको महीने घंटों अच्छा हफ्तों दिनों मिनटों के मुताबिक 9-10 साल हो गए। चलो गुड है यार, एक ब्रेक पे जाना है, सवाल आज बहुत मजे की हो रहे हैं, मैं निर्मला से 2-4 और सवाल करूंगा लेकिन वो ब्रेक में करूंगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan, Tikha Sach hamara segment hai, Naeem aur Nimra hamare sath maujood hai aur aaj maze maze ke wings ye khayenge kyunki inko bhook bhi lagi hai aur Nimra ko to mirche itni pasand hai ke you can't imagine, ye to mirchon ke bagair zinda nahi reh sakti aur isse mujhe kaha tha Ehsan ye mera favorite segment hai, प्लीज इसमें मुझे जरूर पार्टिसिपेट कराना, अगर तुमने ये सेगमेंट ना किया Ehsan तो मैं तुमसे बहुत लड़ूंगी, और क्योंकि नईम एक स्पोर्ट्स पर्सन है और बड़ा तो जो टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा है, जबरदस्त किस्म का इंसान है और बड़ा टफ है, लोगों को टफ टाइम देता है तो ये जो मिर्चें हैं ये थोड़ी बहुत चखनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं है, बहुत बिल्कुल मासूम टाइप मिर्चें हैं, यू कैन ऑल्सो चूज टू हैव द रियल चिली इफ यू वांट, इट्स योर चॉइस, आई मीन विदाउट ट्राई गो फर्स्ट, यू शुड गो फर्स्ट लेडीज। अच्छा पहला ठीक है, पहला सवाल खाइए जी, सही तरह चक्की मारो ना यार, देखा मैंने कहा हल्की हल्की है, ज्यादा नहीं है, हाँ हल्की है, तोता बोला शुरू, बोलो तोता बोला शुरू, मैंने यानी निम्रा ने और मुनिज़ा आरिफ ने एक स्टैंड लिया था, किसी प्रोड्यूसर ने हमारे पैसे नहीं दिए थे, ये कहाँ हुआ था? बिल्कुल लाहौर का, जुल्फिकार हैदर हैं प्रोड्यूसर लाहौर के, उन्होंने किसी के भी पैसे नहीं दिए, ड्रामा एक्स्ट्रा डेज 15 एक्स्ट्रा डेज शूट करके और सबको भेज दिया, जी आप लोग कराची सब पहुँचे, घरों घरों पहुँचे, आपका चेक मिल जाएगा, दोस्ती इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, किसी के पैसे नहीं दिए। ये कौन है मैं समझा नहीं, लाहौर में होते हैं, काफी काम करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, 2-3 मेरे साथ ही काम कर चुके हैं, मेरा तो बहुत अच्छा उनसे रिलेशन हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, फिर किसी के भी पैसे नहीं दिए, सबके पैसे ENG सब सबके बाद में दे दिए, नहीं दिए, तो फिर तुम लोगों ने एक्शन लिया कोई? क्या लेते, वो कह रहा है वो डट गया कि मैंने नहीं देने, इतने दुली दुखी बात कर रही हूं, नहीं मुझे एक बात बताओ यार, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेज दिए होते हैं इन राइटिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट है यू कैन, वो एक्स्ट्रा डेज हुआ ना, तो दोस्ती की वजह से मैं आपके साथ शूट कर रही हूं, हां तो दोस्ती में कहा यार 2 दिन एक्स्ट्रा करा दो, मैंने 40 दिन आपके साथ शूट कर लिया, ठीक है अब 40 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, कर लेते Ehsan के साथ ही है, सही है 15 दिन के बाद Ehsan दे देगा सबको जो भी है। क्या नाम था उनका? ज़ुल्फ़िकार हैदर। ओके वी लुक फॉर द प्रोड्यूसर एंड वी विल मेक श्योर कि ये क्लिप उनको जाता है। और कौन कौन था कास्ट में? नज़ा आरिफ थी, अली जोश थे, किरण हक थी, किरण ताबीर और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन किसी को नहीं मिले, नहीं मिले।
वेरी बैड वे. इसलिए कहते हैं कि जो है ना अपने राइट्स निकलवाने के लिए आप पर डे का भी कॉन्ट्रैक्ट करें और आप जो हमारी एक्ट एक जो हमारी अतीका उर्दू जिसको चला रही हैं आप उसमें कंप्लेन करें ताकि पैसे. आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन. यस ठीक है. अच्छा जी नईम खाएं आप भी खाएं. नहीं आपसे सवाल ना खाएं. When he's talking to me, आप भी खाएं. I'm talking to you now. No, you eat. हाँ मैं चाय पी रही हूँ. Eat, dude, eat. ये. ओए होए होए होए. सैयद नूर ने बहुत साल पहले साइन किया और कहते रहे कि मैं फिल्म में काम करा रहा हूँ, मैं फिल्म में काम करा रहा हूँ, फिल्म में काम करा रहा हूँ. लेकिन वो फिल्म आज तक क्यों नहीं बनी? फाइनल ईयर NCA से ग्रेजुएशन के बाद मैं उनसे मिला और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया. इज दैट लाइक 20 इयर्स बैक और सो? नो 2006. ओके. और उन्होंने प्रॉपर ऑडिशन लिया, उसमें शान भी थे. ठीक है. और शान ने कहा कि नईम के जो नाना हैं उनका स्टूडियो था, नूर साहब का. हाँ नूर साहब वाला जो स्टूडियो था वो बेसिकली मेरे नाना का स्टूडियो था जहाँ पर उन्होंने नापा एकेडमी बनाई. ठीक है. वो तो ये फिल्म इंडस्ट्री से ही इसकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, तो आप इसके साथ काम करें. उस वक्त मैं इंडिया में 3 महीने अनिल कपूर के स्कूल में एक्टिंग पढ़ के आया. ठीक है. आई वाज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी हु गॉट एडमिशन. उसमें ये हुआ कि सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई, सब चीज़ें ठीक थी और मैं अपना वही क्रिएटिव परसेप्शन लेकर जब पहली दफ़ा स्टूडियो में गया और मैंने देखा कि यहाँ पर इस तरह से काम होगा, मतलब इतना छोटा एक सेट लगा हुआ है, उसी में जेल है, उसी में वो घोड़ा खड़ा हुआ है, उसी में जैसे पंजाबी फिल्मों का एनवायरनमेंट होता है, और मतलब वहाँ कोई क्रेन नहीं थी और जो क्रू था वो भी मतलब नॉर्मल लेमैन थे. मैं एक परसेप्शन लेकर गया था कि हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं. तो मैंने उनसे कहा कि ये लोग हैं, ऐसे फिल्म बनेगी या ऐसे फिल्म बनती है? तो उन्होंने कहा बेटे यहाँ पर यही है. हाँ यहाँ पर यही है. हाँ. और ऐसी ही फिल्म बनेगी. उस फिल्म का यूनाइट उस फिल्म का. हाँ अब बोले. उस फिल्म का उन्होंने मुझे एडवांस भी दिया था फिल्म शुरू होने से 3 महीने पहले. वेरी बेसिक अमाउंट 10,000 रुपीज का चेक था. ठीक है. और मैंने कहा था वो मैं कैश नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरी पहली फिल्म है. मैंने उसको फ्रेम करा दिया. ओके. और जब हम शूट पे गए मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं उन्हीं दिनों में शुएब मंसूर से भी मिल रहा था. मैंने उनको उनके कुछ गाने असिस्ट किए कैमरे के पीछे उनके साथ, सेट डिजाइनिंग की और उनसे सीखा. ओके. तो दोनों में थोड़ा फर्क था क्रिएटिविटी का. उसके बहुत सालों के बाद जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा सर आपका दिया हुआ कुछ अमाउंट मेरे पास है और वो मैं आपको देना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा वो आपने मुझे 10,000 पे एडवांस दिए थे वो चेक. तो कहने लगे नहीं नहीं ठीक है तुम उस वक्त अपनी जगह ठीक थे, अब ज़माना बदल रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी सोच नई है. तो वो आज भी मेरे स्टूडियो में वो फ्रेम हुआ. लेकिन नईम आई मस्ट से कि सैयद नूर ने अपने टाइम में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्हीं सर्कमस्टांसिस में बनाई हैं क्योंकि क्रिएशन के लिए और क्रिएटिव होने के लिए कोई बहुत पैसा या बहुत इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए होती. यू कैन क्रिएट इन अ स्मॉलर बॉक्स आल्सो बट यू कैन डू बिग थिंग्स. उनकी फिल्म लाइक चूड़िया एंड सो मेनी अदर फिल्म्स हैव डन वंडर्स. नहीं ट्रू है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. होता क्या है कि जो अब जैसे अब जो नए बच्चे आ रहे हैं काम करने के लिए वो हॉलीवुड की फिल्म देख के आते हैं तो सेट पे आते हैं कि हमें ये चाहिए. वो आई वॉज टू यंग, डेट वॉज माई मिस्टेक. अपने काम को लुक डाउन नहीं करो. True. किसी चीज को लुक डाउन नहीं करो. आपके लिए कभी किसी बहुत ऑर्डिनरी चीज में बहुत ज्यादा कुछ छुपा हो सकता है. उसी इंडस्ट्री से बहुत से बड़े बड़े स्टार्स भी बने हैं. ट्रू राइट. ठीक है जी खाइए लड़की खाओ खाओ. सवाल यह है नवाज शरीफ इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन. ऐसा एक शो में कहा था इसलिए क्योंकि वो उन्होंने लाहौर बहुत खूबसूरत बनाया है. ठीक है. ओके. तो दैट्स व्हाई ही इज अ फेवरेट. कोई भी उनकी तीन फेवरेट लाइक तीन कोई क्वालिटीज बता दें.
मुझे और कुछ नहीं पॉलिटिक्स के बारे में पता, मुझे सिर्फ इतना पता लाहौर खूबसूरत लगता है, लाइक इट्स अ सिटी ऑफ लाइट्स, बट लाहौर इज अंडर शहबाज शरीफ, कराची इज अ सिटी ऑफ लाइट्स, तो मैंने ये लाहौर में देखा है कि बट वो शहबाज शरीफ ने बहुत काम वहां किया, अभी अभी भी जो बुजदार है वो भी कर रहे हैं, लाइक काफी प्रेशर होता है क्योंकि जब एक चीज अच्छी बन गई होती है उसको मेंटेन करना, इस वजह से मैंने, दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली रीजन, और कोई रीजन नहीं था, पता भी नहीं अगर है भी तो, बस यही पता कि लाहौर खूबसूरत किया। तो फेवरेट पॉलिटिशियन कौन हुआ फिर आपका? मेरे थे वो नाम उनका भूल गए, नहीं देखो फेवरेट थे और नाम भूल गए, ऐसे ही होता है, मुशर्रफ अपने ही गिराते हैं नशे में, परवेज मुशर्रफ के वक्त में मुझे ऐसा लगता था कि कराची क्या हमारा पाकिस्तान बदल रहा है कुछ। तो जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है उनको जानती हैं? मुझे लगता है कि उन पे वो शायद गलत टाइम पे हमारे बने हैं, क्योंकि कौन हमारे इमरान खान साहब कोविड के वक्त में एकदम से उनको वो सीट में जगह नहीं, हमारे प्रेसिडेंट जो है उनको जानती हैं। अच्छा प्रेसिडेंट आरिफ कौन अच्छा मुझे नहीं पता ना पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है ओके, क्यों अब आप बता दें, अलवी साहब आरिफ अलवी, आरिफ अलवी इज अ वेरी गुड डेंटिस्ट, वेरी इंटेलिजेंट लर्नड पर्सन, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं, खाया नहीं ना इसलिए एक बनता है ऐसे रुक रुक के सोच रही है नहीं खाऊंगी यार, ऊपर से डाइट कर रही है, हाँ ये ये ठीक है जी, नेम डेब्यू फिल्म यलगार ने कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं किया, बहुत अच्छा फीडबैक नहीं था, हालांकि उसकी कास्ट भी अच्छी थी, बजट भी अच्छा था, बट लाइक यू राइट नाउ जस्ट सेड कि वो छोटे बजट की चीज मैंने नहीं की लेकिन बड़े बजट की जा रहा था, तो क्या लगता है कि वो अपने कैरेक्टर में या फिल्म में या चीजों में क्या कहां पर लैकिंग था? फिल्म की प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पे, जब हमारी फिल्म लगी तो उसके साथ इंडियन एक दो और बड़ी मूवीज लग गई थी, सलमान खान की और अक्षय कुमार की, इस वजह से उस मूवी का जो जो क्राउड को वहां जाना चाहिए था वो इंडियन कंटेंट पे गया, ठीक है, तो सिनेमा का इशू था कि उस वक्त जो हमारी ऑडियंस है वो फ्लो में नहीं है, एकदम से एक फिल्म आ गई, ये था, दैट्स इट, ठीक है। निम्रा खाइए, कभी जुल्म नहीं सहना, एक स्टेटमेंट दिया था लोगों को, लड़कियों को, सबको, अभी मेरे शो में बोला इसके पीछे क्या वजह है वो तो मालूम है, जल्दी खबर फैल गई, अभी तो दिया था, कोई खास वजह? बहुत वजह है, क्या वजह है बस बोल दो। अच्छा मैं तो मजे डेफिनेटली जो मुझे चोट लगी थी और वो जिस वजह से लगी थी चोट, तो मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी औरत ऐसी सिचुएशन फेस करे, मैं क्योंकि सबको ही पता है कि वो वक्त मैंने क्यों फेस किया था, किस वजह से फेस किया था, तो वो इस वजह से बस ठीक है ओके। नईम, नईम ये बताओ यार, यार मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत मिर्ची लग रही है भाई, यार भाई तेरे से सवाल ये है, पानी पियो, कि लोगों का कहना ये है कि नईम चूंकि फिटनेस फ्रीक है, बहुत फिट है और हीरो है, लेकिन हीरो के रोल नहीं करता, ये क्या चक्कर है? हीरो के रोल किए, जैसे अभी फिल्म आई थी मान जाओ ना, ठीक है, उसमें हीरो भी था और फिर विलन भी था, ठीक है ओके, और ये है कि बहुत ज्यादा ऑफर्स नहीं हो रही, ठीक है, कोई बहुत अच्छी ऑफर हो तो फिर ही आप करते ना, ऐसे तो नहीं कि बस रैंडम, ट्रू सही है, आई मीन द काइंड ऑफ स्टफ यू वांट टू डू, कभी आपको उस टाइप का काम नहीं मिला, हीरो तो फिर वो हीरो के शॉट्स वैसे फिर हीरो दिखे भी तो सही ना, ऐसे खाली नाम का ही तो ना हीरो ना, ये बात भी सही है, अच्छी बात, ये मैं दूसरे मतलब अक्सर डायरेक्टर्स को कहता हूँ कि आपने इनको हीरो लिया है, वो हीरो दिखाओ भी तो वो फिल्म में क्या ऐसा करेंगे कि लोग कहेंगे कि हीरो है, टेक्निकल शॉट्स नहीं, ट्रीट नहीं, चीट नहीं, एक्चुअल कि क्या उसकी ऐसी फिजिक इतनी अच्छी है या वो डांस बहुत अच्छा कर सकता है, कोई भी प्रोफेशनल एक्टर या हीरो को वो घर से तैयार होके आना चाहिए ना, यानी ही शुड बी गुड एक्टर, ही शुड नो हाउ टू, ट्रू, या द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड, कोई स्किल ऐसी हो जो बाकी लोग ना कर सके, ना कर उसके साथ आ पाए, ओए हाय यार बड़ी गहरी बात कर गया भाई, वेरी डीप, आएंगे ठीक है, चलो निर्मला खाओ, शी इज सेइंग निर्मला खाओ, निर्मला से सवाल ये है, खाओ खाओ ना अच्छी तरह, नईम खाओ अच्छी तरह, नईम खाओ ना यार,
यार ऐसन, ये कमिट नहीं किया था आपने, कहा था कि क्वेश्चंस होंगे, ये होगा, दिस एंड दैट। सवाल करने लगा ना निमरा से, निमरा से सवाल, नहीं सवाल ये है कि कोई सवाल ही नहीं है, ब्रेक का वक्त है, हम जो ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एसएल खान। उनको बहुत सी प्यारी प्यारी ट्रेजर बॉक्स में से चीजें निकलती हैं जो फिर उनको यहाँ पहननी होती हैं, और काफी कूल चीजें हैं। सो वी विल शो इट टू यू, यू विल बी रियली प्राउड ऑफ योरसेल्फ मैन। लेकिन उससे पहले हमें पहला सवाल करना पड़ेगा, पहला सवाल का जवाब आपको जल्दी जल्दी देना है। Okay. जो पहले जवाब दे देगा और सही जवाब देगा ऑब्वियसली वो जीतेगा, दूसरा हार जाएगा। तो पहला सवाल आपसे ये है, द फर्स्ट कंट्री टू गिव अ रोबोट सिटीजनशिप इज यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएई, सऊदी अरेबिया। ओके, यू सेड सऊदी अरेबिया, यू सेड यूएई, द राइट आंसर इज How do you know? और जवाब हाथ उठा बगैर जल्दी से दे रहा है। जवाब जल्दी से देना है हाथ उठा बगैर। अच्छा जी चूज करो भाई, सजा मिलेगी ना इसको? हाँ सजा। नहीं बैठे 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 बैठे। सिक्स, नंबर सिक्स। अब मुझे सजा मिलेगी? ऑफ कोर्स, गलत जवाब जो दिया है। इसमें से निकलेगा निकल ये पहनाना भाई, ये मेरे फोन से। वाओ बच गए ये बिल्कुल लग गया तेरे। अगला सवाल ये है निम्रा, क्विकली। ओके, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन दुबई, जद्दा या मस्कत? दुबई, दुबई। दोनों ने एक साथ जवाब दिया है। नहीं, इसने कहा दू, मैंने कहा दुबई। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन देखते सही जवाब क्या है। Yeah! Now it's my turn. दोनों ने एक साथ जवाब दिया है। दुबई साथ। मुझे तो ये पहले लग रहा है दोनों ने एक साथ जवाब। नहीं यार, दोनों ने एक साथ, किसी ऊपर वाले साउंड चेक, साउंड चेक नहीं बोला है मुझे, साउंड चेक नहीं बोला है, दोनों ने एक साथ बोला है। अगला सवाल ये है, वेयर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज? जापान, रशिया या चाइना? क्विकली, चाइना। आर यू श्योर? चाइना। ओके, नहीं नहीं इनको नहीं पता, जल्दी से कट। चाइना। ये क्या बात है, अगर सही है तो देर से दिया। मुझे सुन के क्या जवाब दे रहे? तो जवाब ये है सही वाला, चाइना। आई टोल्ड यू, इट्स हिम। I told you, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि एक रशिया में भी है, वो उससे थोड़ा सा बड़ा है। मैं सोच रहा था, शोर थी, मैं सोच रहा था। चूज कर भाई। सेवन, यार चीट। नहीं यार, I wanna see. मैं बाल खराब हो जाएंगे। इतनी साइलेंट करके आया। निम्रा पहनाएगी क्या बात, इसके ऊपर बैंड आएगा या? प्लीज मेरी वीडियो बनाई जाए मेरे फोन से। सर भाई बैंड मेरे फोन से। और क्या पहनेगा यार, और क्या पहनेगा? कह रहा सर पे पहनूंगा। हाफ पहना दो, सीधी कहां से ये पहना दो। ओए चलो। ओह माय गॉड, बिच। यार यार बॉल सूट कर रही है, अल्लाह का तालबाल लग रही है। हाँ इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी लॉन्ग। आई नो यू कैन, आई मीन इट्स वेरी, यू कैन, यू पुल्ड ऑफ, आई स्वेयर, यू कैन पुल्ड ऑफ, रियली, या वेरी वेरी नाइस। फनी नहीं लग रहा है। अगला सवाल ये है बहुत आसान, टर्की कनेक्ट्स द टू कॉन्टिनेंट्स, कौन से कॉन्टिनेंट कनेक्ट होते हैं? एशिया ऑस्ट्रेलिया, एशिया अफ्रीका, या एशिया यूरोप? हाफ हाफ है, एशिया एंड यूरोप, आधा एशिया में आधा यूरोप में। अच्छा सी, थैंक यू। सही जवाब है, मुझे नहीं पता।
He's right. So easy. Well, half Look at shoes. Two. आ जा बेटे. अब तेरी बारी आ गई. डर तो खत्म हो गया मेरा. क्या? Yeah. Oh ho. Ehsan. Yeah. यार तुम जो ना flavors दे रहे हो. उधर निकले, निकले. इसको आगे कर लो. अभी दे यार. Very matching. Okay, अगला सवाल निम्रा गौर से. गौर से? नहीं गौर से. अच्छा. Which city is also called the city of 1000 minarets? Islamabad, Cairo ya Istanbul? Cairo. 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 I said first. Cairo. Check kar le, pooch le. I know. Pehle kisne bola aur sahi jawab pehle kya ye bata de. Inhone loud bola, maine slow bola. Whoa! Bola saath tha lekin. Cairo. Mujhe ye aa raha hai ki dono ne ek saath bola. Nahin, maine pehle bola, mujhe pata hai. Saath bola, pata hai? Saath bola. Bhai saath bola. मैंने पहले बोला, पहले मैंने बोला, मुझे पता है. यार सॉरी यार, एक्सप्रेस टीम इज विद मी. साथ भाई ये सुन ले, साथ बोला है साथ. डायरेक्टर साहब कह रहे हैं साथ. पहले मैंने बोला यार. नहीं यार, नेम की भी साइड लो ना थोड़ी सी यार, ये जुल्म हो रहा है. अगला सवाल ये है, सुल्तान अहमद मॉस्क इन इस्तांबुल इज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन मॉस्क, रेड मॉस्क, ब्लू मॉस्क. ब्लू मॉस्क. ब्लू मॉस्क. नहीं ने पहले बोला है. अब तो नईम ने पहले बोला, बोला है. हाँ, अब इन्होंने बोला है. मैं तो एडमिट कर लिया है. ऑब्वियसली ब्लू मॉस्क. नंबर चूज करो. फोर. आ गया. क्या? आ जा. म्यूजिक. चलो भाई. नहीं नहीं, इसलिए डांस करना है. नहीं, अच्छा सा म्यूजिक. मैं अपनी फिल्म का हीरो भी हूँ, हीरोइन भी हूँ. ये भी पहनना है. You can't cheat. अपनी फिल्म का हीरो भी मैं हूँ, हीरोइन भी हूँ. Of course, you have to wear. She has to. Yes. Yeah. नहीं नहीं, मैंने कहा. उसके बाल खराब हो रहे हैं. हाँ ना, अभी तस्वीरें खिंचवानी है मैंने. क्या बात. अपनी फिल्म का हीरो भी मैं हूँ, हीरोइन भी हूँ. अच्छा, अगला सवाल. वैसे निम्रा को ये जवाब आता था, इसने ऐसे बस डिले किया है. अगला सवाल मैंने पता मुड़ के नहीं देखा, अपना फन कर. गाइस रेडी? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज इन चाइना, पाकिस्तान या नेपाल? पाकिस्तान. चाइना. वर्ल्ड हाईएस्ट पाकिस्तान. यू सेड चाइना. चाइना. यू सेड पाकिस्तान. नहीं, अच्छा नेपाल. यू सेड नेपाल. ओके, हु सेड पाकिस्तान? No, Pakistan. No, 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 okay. Pakistan. देखते हैं चाइना. वैसे इट्स वेरी क्लोज. चाइना, नेपाल. लेट्स सी. तीनों में बहुत जबरदस्त माउंटेन्स हैं. वो ये तुक्का था? नहीं, ये तुक्का था लड़की. तुक्का तुक्का था. तुक्का था सच्ची में. आइए नाइन भाई चूज कीजिए. नंबर नाइन. नंबर नाइन. व्हाट आर यू लुकिंग? देख रहे ये ना. I like it. Give it to me. Chalo pehna do. Pehna bhi do usko. Wow. Whoa! Oh my God! I'm looking good. अगला सवाल आप लोगों से ये है. सवाल है. The largest populous Islamic country of the world, सबसे ज़्यादा population इसमें है, is Pakistan, Indonesia या Saudi Arabia? Largest. I think. Quick, guys. Islamic country. The world. Indonesia. Indonesia. Who's I think Indonesia. वो मेरा फोन है. वो मेरा. Indonesia. नहीं. Indonesia. Indonesia. I'll go for B. I'll go for B. मारो कौन है ये? ये मेरा फोन है. ये मेरा फोन है. सही जवाब.
दे दिया सही जवाब. आज आज निम्रा बहुत पढ़ के आई है. बहुत सीख के पढ़ के क्या हुआ? बहुत पढ़ाई की है मैंने. हाँ जी चूज कर यार. नंबर 10. लग रहा कोई और बंदा बैठ गया. कसम से आई सुन लगी ना नहीं मैं. ये क्वेश्चन तो टाई हुआ ना. क्यों टाई हुआ? मेरे सुनने के बाद जो भी जवाब देंगे वो टाई थोड़ी होगा यार. ये अब कैसे पहनेगा ये इतना कुछ हद हो गई है. चलो ये क्या है? नाक है. ये उतार के पहन. ये चश्मा उतार दे. चश्मा उतार दे. चलो पहनाओ. कितना शौक हो रहा है इसको. चलो नेक्स्ट. ओके जी. कितना 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 नेक्स्ट. थोड़ी थोड़ी देर हो जाए तब मैं वालों से हाथ पढ़ देता. ठीक है जी. अगला सवाल ये है. द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज डेड सी, रेड सी या बाल्टिक सी? डेड सी, रेड सी या बाल्टिक सी? बाल्टिक सी. सॉरी सी. आई विल गो फॉर सी. ओके एंड यू? अब तो इन्होंने जवाब दे दिया तो मैं हो सकता है गलत हूं. अच्छा I think A. Maybe. Okay, you said it. सही जवाब है. He's right. Whoa. Good. Now I choose. I choose. 8. Woo. Weapon out. Oh. Music. Yeah, this is. बॉक्सिंग भी करती है. आप बॉक्सिंग करें. उल्टा बना है. आजा. आखिरी सवाल आप लोगों से ये है कि द अर्थ सर्फेस इज निम्रा. द अर्थ सर्फेस इज डिवाइडेड इन How many continents? 5, 6, or 7? This is the like Earth's surface is divided in continents. I think 7. I'll go for 7. I think C. Okay. दोनों ने कहा C, लेकिन पहले नहीं निकाला तो देखते हैं पहले किसका जवाब सही है. बेटे असली में पढ़ के आए हैं. पढ़े लिखे लोग हैं. एक्टर नहीं है. पढ़े लिखे. आपसे रात को पूछते पूछते बैलेंस खत्म हो गया था ना. बाकी का नहीं पूछ पाई थी. कह रहे एक्टर नहीं है पढ़े लिखे लोग हैं. ये किस किस को तारा दिया इसने यार? पता नहीं. मुझे कह दिया. मुझे नहीं नहीं मैं भी ले लेती हूँ. चलो भाई चूज करो. गो फॉर 1. अच्छा जी 3. Sign and Imra, sign. Oh my God! No, no, no! No, no, no! मैं बनाऊँगा. Oh my God! यहाँ पे लो. आ जा बेटे. आ जाओ. अबे. ये लगाओ ना. धीरे बनो. Oh, आप पता चलेगा. Very nice, very well played, guys. Wonderful. यहाँ पे हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक. हमारे साथ रहिए. देखते रहिए. Time out with Ehsan Khan. द
So now, welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और अब यकीनन जाने का वक्त है. बहुत अच्छा रहा आप दोनों के साथ बातचीत की, मजा आया. And after long time, I think Naeem, तेरे साथ तो बहुत अरसे बाद गपशप हुई है. और निर्मल से तो अभी recently हुई थी, जिसमें मुझे याद आया. अब मैंने सवाल किया था कि निर्मल जब नाराज होती तो क्या करती, तो मुझे पता है कि जब ये नाराज होती तो क्या करती है. यानी ऐसे हाँ रोने लग पड़ती है किसी बात पे कभी कभी नाराज हो जाए तो क्या करती है. अच्छा खैर एनीवे, जाते जाते ये हो नहीं सकता कि हमारे पास निमरा और कभी कुछ हम भाई गाना मुझसे निमरा कभी नाराज नहीं हुई तो मुझे पता नहीं कि क्या करती है. अब नाराज हो जाए यार. हाँ क्या कह रहे थे. हाँ वो कभी भी मारती भी है जब नाराज होती है. पसंद जो सामने पड़ा उठा के मार दे. मेरा पर किसे दी मंदा नहीं बोलना चल दी चांदनी कंबे कंधे मन दी मौज विच हसना खेलना दिल की रखना कंबे कंधे मेरा पर किसे दी मंदा नहीं बोलना चल दी चांदनी चंदे कंधे मन दी मौज विच हसना. यार कितनी प्यारी आवाज है निमरा की. एक और गाना फेवरेट बता दो अपना. कौन सा है एक और. दिल की लगी. दिल की लगी. दिल की लगी भी चलाओ यार. कहाँ है दिल की लगी. कहाँ है यार चला दो. दिल की लगी चला दो यार. मैं वैसे ही गा देती हूँ बगैर म्यूजिक. वैसे वैसे गा रही है. वैसे गा रही है बगैर म्यूजिक. वैसे गा रही है बगैर म्यूजिक. बगैर म्यूजिक भाई बंद कर दो माइक. माइक दो. ऐसे ही गाते मुझे. वो वैसे ही गा रही है. मेरा गला बहुत ही ज्यादा खराब है लेकिन बिल्कुल खराब नहीं. कहाँ से खराब लग रहा है. दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे. दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे. मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है दो दिल जुदा ना करे. हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे. आगे गाओ थोड़ा सा. Amazing यार. You sing so well, you know. थोड़ा सा आगे गाओ. हाँ please. आगे क्या है. दीवाने चुप कैसे रहे आओ दुनिया से ये कहे. जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है हमसे मिलाना करे. हो दिल की लगी कुछ और दिल को दीवाना करे. यार थैंक यू. यार एक और फेवरेट गाना कौन सा है. वंस मोर यार एक और फेवरेट गाना. एक और फेवरेट गाना यार. इस तरह का स्लो गाना पाकिस्तानी ना. एनी हाँ हाँ ऑफ कोर्स यस. डिस्को दीवाने आहा ओ डिस्को दीवाने आहा नशीली है रात हाथों में हाथ नाचे सितारों के साथ सुंदर बदन ये चंचल है नाचे गाए साथ डिस्को दीवाने आहा हो डिस्को दीवाने आहा आहा क्या बात है यार. क्या बात है यार. मैं तो सच में अपनी आवाज सुन के दिल नहीं कर रहा कि तुम भी गाना गाओ.
अच्छा कर रहा दिल हाँ ये कह रहे तुम ना गाओ नहीं नहीं मैंने मैंने कब कहा ना गाओ कोई किया, ऐसा गाना जो इन गानों के बाद जो जो निम्रा के लिए गाना गाना है वो ये देखो निम्रा का एक और फेवरेट हमने तुमको देखते ही दिल दिया तुम भी सोचो तुमने हमसे क्या किया हमने तुमको देखते ही दिल दिया तुम भी सोचो तुमने हमसे क्या किया तुमने क्या किया क्या किया